बात नहीं, पर ऐसा रूल तो है ही बहुत जगहों पर। अच्छा हुआ अलाउ नहीं किया, अच्छा हुआ अलाउ नहीं किया। I woke up late because I slept late. I'm in Kalyani Nagar right now in Pune. First of all, तो I love this city. सबको पता ही होगा, अब तक तो मैं बहुत बार आता जाता रहता हूँ, यहाँ पे काम भी होता रहता है और मैं स्टे कर रहा हूँ रॉयल ऑर्किड गोल्डन स्वीट्स में। फैबुलस फैबुलस होटल है, यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है और मैंने बताया था जैसे कि 1450 में मुझे ऑनलाइन डील मिली थी स्टूडियो अपार्टमेंट्स की फॉर फोर नाइट्स। यहाँ सामने कोई दिख रहा है जो खड़ा है वहाँ पर, आई डोंट नो क्या मिलता है, लेट्स सी क्या बेच रहा है उधर। कुछ भीड़ खड़ी है, चाय का चाय भी दिख रही है मुझे वैसे वहाँ पर, हाँ चाय है शायद, और उसके पीछे कुछ नाश्ते का भी कुछ होगा। ये नाश्ता ले लिया है मैंने, इडली लिया है, पोहा लिया है और साथ में ये डब्बा रस्क का ले लिया है। माय मदर माय सिस्टर मी एवरीबॉडी लव्स इट, सो मैंने ले लिया। ये रही गर्मा गर्म चाय, पोहा, पोहा इज टेस्टी, लाइक नॉट दैट टेस्टी बट यार डिसेंटली टेस्टी। किसी को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ, दिस गाय इज अ वेरी 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 बिग शॉपाहोलिक। दैट आई एम, दैट आई एम, आई विल नॉट डिनाय दैट। हाँ कर ली शॉपिंग, मैंने शॉपिंग कर ली, एक जैकेट लिया है और एक शॉर्ट्स लिया मैंने, तो जल्दी से मैं बाहर निकल आया बिकॉज उन्होंने खाली ऐसे लगाया है कि 60% ऑफ, पर कुछ ऑफ ऑफ नहीं है, वो नॉर्मल रेंज पर ही है। यहाँ से हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कोई आया है आपके साथ लंच के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो इससे पहले कि ये लड़का व्लॉग करते करते पूरा खाना खत्म कर ले, हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे खुद स्टार्ट करना चाहिए खाना इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। पर खाना है इतना टेस्टी, तुम आराम से शूट करते हो। वो आपके खाने से मुझे पता चल रहा है। नहीं नहीं, आई एम स्टॉपिंग द व्लॉग राइट अवे। दिस क्यूटी वांट्स टू गो इनसाइड, इसके बाहर से भौंक रही है बैठकर। हेलो व्हाट हैपेंड, कहाँ जाएगी, अंदर। हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, हेलो गाइस व्हाट्स अप। ये हमारी ट्यूबलाइट शो, फ्लोरोसेंट शूज और फ्लोरोसेंट कैप और फ्लोरोसेंट बैग, दूर से खाली ऐसा लग रहा है कि तीन वो इनविजिबल होता है ना बीच के लोग, खाली ऊपर और वो शक्ल दिखाना जरा। तो हमें कोरेगांव पार्क से खराड़ी आने में लगा कुछ 25 मिनट लगे हमें, ठीक है, और अभी हम यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास। यहाँ पे एक ईरानी कैफे है बहुत फेमस, वी आर लीविंग फ्रॉम ईरानी कैफे। आई केम विथ वन ब्यूटीफुल गर्ल, नाउ आई हैव टू ब्यूटीफुल गर्ल्स विथ मी, आई एम सो लकी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे सब कुछ हो चुका है, अभी यहाँ से जा रहे हैं कल्याणी नगर और शमता भी साथ में आ रही है, उसके बाद प्रवीण ज्वाइन करेगा। शमता को हमने किडनैप कर लिया है। शमता हाय बोल मेरे कैमरा को, ये ऐसी बिना मतलब हंसती रहती है। यहाँ पे जो जहाँ मैं रह रहा हूँ उस होटल ने विजिटर अलाउ नहीं किया। जलते हैं साले, मेरे को देख रहे हैं ऐसा कि दो दो खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे साथ तो जल रहे थे। कोई बात नहीं, पर ऐसा रूल तो है ही बहुत जगहों पर। अच्छा हुआ अलाउ नहीं किया, अच्छा हुआ अलाउ नहीं किया, वो समझ गए थे वो ये ऐसी हरकतें करेंगी। सो शमता स्टेज हियर पास्ट लाइक 10-15 डेज, सी नोज एवरीथिंग, यहाँ पे फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं, सब्जियाँ कहाँ से मिलती है। तो हमारे स्टूडियो में थोड़ा ऐसा ये नाइफ और सब तो है ही, प्लेट्स भी हैं, तो मैंने कहा कि फ्रूट्स लेके दे हमें हेल्प कर ले। नहीं, इट्स फॉर 250 रुपीज केजी, और वो मुझे 200 में देता है। हाँ फिर ठीक है, पर मेरे ख्याल से एप्पल थोड़े सस्ते नहीं है और
वैसे मुझे पता नहीं है, तो अभी देखते हैं वो कितना पहले कितना बोलते हैं वो देखते हैं कितने रुपए किलो है। हम आ चुके हैं फ्रूट्स वाले के पास, यहाँ से फ्रूट्स लेंगे अभी हम कल सुबह के लिए, कुछ हेल्दी खाएंगे, सब्जियाँ भी हैं। फ्रूट सेंटर क्या क्या भैया? सुबह के लिए है ना, आई एम बाइंग एप्पल्स, आई एम बाइंग थैंक यू सो मच, यू शी बॉट पेरूस, यस शी टुडे शी इज बाइंग एंड वेयरिंग एवरीथिंग ग्रीन ग्रीन, सी लुक एट हर, उसमें डाल दो मैडम। तो क्षमता इज गोइंग, क्षमता बाय बोल के जाओ, कब आ रही है वापस? दो घंटे में वापस आ रही है, फिर हम लोग यहाँ से, मैंने लॉन्ड्री सर्विस लिया है इनका। हाँ ये आज बाई बनी है, कपड़े लेकर गई धोने के लिए, लाके सर को दूंगी। सो गुड फ्रेंड्स, बाय सर, स्वादिका अरे ये फनी है बहुत। सो गाइज अभी रात के कुछ 10:15 बज रहे हैं, हम रोड पे निकले हुए हैं, इट्स बीन 15 मिनट्स, हमें रिक्शा नहीं मिल रहा है पुणे में, और ना ही हमें ओला की कोई कैब और रिक्शा ऐसे रिक्शा वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो डिफ़िकल्टी मैं देखकर शॉक दूँ कि पुणे में ऐसा हो रहा है। रिक्शा मिला, वो आया, उसने बोला कि मैं मीटर के हिसाब से नहीं जाऊँगा, और फिर उसने बोला कि 50 रुपीज़ ऊपर देना। फिर में दूसरा वाला रिक्शा वाला मिला, उसने भी सेम चीज़ करी, फिर हमने फाइनली जाकर कुछ 130 में सेटल किया। लेकिन दिस इज़ सो बैड कि पुणे जैसे शहर में यहाँ पे रिक्शा वाले मीटर से नहीं चल रहे हैं। आई एम लीविंग फ्रॉम दिस होटल और जतिन अपर्णा मुझे पिक करने आए हैं, हाउ स्वीट ऑफ देम। कैमरा हाय अपर्णा, व्हाट्स अप, कुर्सी की पेटी ऐसी थी कि निकल ही नहीं रही। और आई रियली एंजॉयड माई स्टे ओवर हियर इन कल्याणी नगर, खूब एक्सप्लोर किया, खूब खाया है पेट भर भर के। सो सी यू ऑन द अदर साइड।